ब्लड की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक में आज केशव आयोग्य भारत के 10 सदस्यों के द्वारा 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। वहीं कोटा सदर अस्पताल ब्लड बैंक के कर्मियों ने कहा, पिछले 8 दिनों से ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी हो गई थी, जिसके कारण एनेस्थीसिया के पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। 8 दिनों से ब्लड की भारी किल्लत हो रही थी और जिसके कारण दिक्कत तो हो ही रही थी, इसलिए सीवियर पेशेंट को खास करके ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच में केशव आरोग्य गोड्डा के द्वारा एक कैंप देने की घोषणा की गई और आज उसका कैंप का के द्वारा ब्लड दिया जा रहा है। कितने लोग लगभग उनमें ब्लड दे रहे हैं? अभी तक 7 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं जो कि ब्लड देने के लिए तैयार है। केशव आरोग्य भारत के तहत हम लोग आज रक्तदान का कार्यक्रम रखे थे, इसी के तहत आज ब्लड डोनेशन दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। कितने आदमी लगवा रहे? अभी तो लगभग कितना हुआ? 7 हो गया है, 10 का है, 10 व्यक्ति दे रहे। गोड्डा के कझिया पुल की स्थिति इन दिनों काफी जर्जर है। पुल पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण बरसात के समय में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहां किसी अप्रिय घटना की होने की संभावना बनी हुई है। गोड्डा में सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर लगाए गए पानी टंकी और साथ में रखे हैंड वॉश अब हाथी का दांत साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से विभिन्न जगहों पर हाथ धोने के लिए पानी के साथ में हैंड वॉश की एक मशीन लगाई गई है, जिससे कि वहां आने जाने वाले लोग अपने हाथों को अच्छे से धोएं ताकि कोरोना वायरस के खतरों से बच सकें। लेकिन जब सिविल सर्जन के यहां ही लगाए गए ये सुविधा ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो अन्य जगहों की व्यवस्था की आप कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। हालांकि इस विषय पर जब हमने सिविल सर्जन से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो सब चीज दिया हुआ है, वो देखी जाएगी किसकी लापरवाही है, किसने नहीं डाला, उस पर एक्शन होगा। अब जाके सीएस तो उसको नहीं करेगा, वो तो करना है किसी कर्मी को। मैनेजर से भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा था कि करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं उसमें। पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के निर्देश पर जिले के सभी थानों में क्षेत्र के सभी मुखिया वार्ड पार्षद के साथ मीटिंग की गई, जिसमें कानून व्यवस्था, भूमि विवाद के मुद्दे, प्रेम प्रसंग, सांप्रदायिक तनाव के मामले, घरेलू हिंसा, मॉब लिंचिंग व जादू टोना के मामले पर ब्रीफिंग की गई तथा उनसे कहा गया कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दे तथा अपने संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न ले। गोड्डा उपायुक्त श्रीमती किरण पासी के द्वारा जानकारी दी गई कि सामाजिक दूरी की सख्ती से अनुपालन एवं सुरक्षा बिंदुओं को लेकर आज से ड्रोन कैमरा व सीसीटीवी के माध्यम से गोड्डा सदर प्रखंड के असनबनी एवं आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है, ताकि वहां होने वाले सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखकर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ड्रोन को गाँव के विभिन्न हिस्सों में उड़ाया जा रहा है और संपूर्ण वस्तु स्थिति का जायजा ड्रोन में लगे कैमरे से लिया जा रहा है। गोड्डा उपायुक्त किरण पासी के द्वारा जानकारी दी गई कि गोड्डा जिले में कोरोना संक्रमित 7 मरीजों की सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात बिल्कुल सामान्य पाई गई है। इसके उपरांत आज दिनांक 28/6/2020 को 7 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसके पश्चात सभी मरीजों को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन एवं सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई। साथ ही 7 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो कि हम सभी जिले वासियों के लिए एक राहत महसूस करने वाली बात है।